तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गया। तो आज के हमारी जो वीडियो है ना, आप लोग हमने देख के तो समझ ही गए होंगे, हमें करनी है यार एक प्लेन से गोल्ड की चोरी। मतलब उस प्लेन में इतना सारा सोना जा रहा है ना, वो भी प्योर गोल्ड। तो हमें जल्द से जल्द वो चुराना है, और जल्द से जल्द जो भी हमारा माफिया है उसके साथ अपना परसेंटेज शेयर करना है, क्योंकि ये सारी डील्स है ना, जो जितनी भी महंगी महंगी हुई सारी हमें माफिया देता है। तो भाई देखो, अगर वो हमें डील नहीं देगा तो हमें मतलब पता ही नहीं लगेगा कहाँ से क्या चुराना है, क्योंकि उसको सब आइडिया रहता है, उसकी सब सेटिंग है। तो अपन यार सबसे पहले चलते हैं। उसने बोला भाई थोड़े कपड़े ढंग के पहन लियो, ताकि मतलब शक ना हो। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, मैंने पूरी सेटिंग बिठा रखी है, पर फिर भी थोड़े बहुत अगर तू ढंग के कपड़े पहन लेगा ना, तो जितना भी शक होना होगा वो नहीं होगा तेरे पर। अगर थोड़ा शक होना भी होगा तो भाई अपन एमेंडा की गाड़ी लेके निकल लिए, क्योंकि अपनी गाड़ी यार पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि ये वाली मैंने उसको ही दे दी और मैं अपने लिए दूसरी गाड़ी मंगा ली है। और अगर ये वाली चोरी अपनी सक्सेसफुल रही तो भाई अपन लोग लेने वाले हैं बहुत सेक्सी सी गाड़ी। अगले ही अपने जो वीडियो आएगी उसमें बहुत सेक्सी सी गाड़ी लेने जाएंगे। बस आप लोग दुआ करो यार कि ये वाली चोरी सक्सेसफुल हो जाए। तो यार चलते हैं, सबसे पहले तो कोई बढ़िया सा ना सूट वूट ले लेते हैं, क्योंकि अपन को सूट की मेन जरूरत है, उसके अलावा कोई और में किसी दिक्कत है नहीं। तो चलो यार देखते हैं। तो यार काफी सोच समझने के बाद मुझे ये वाला सूट पसंद आया। तो भाई लोग बता दो ये कैसा लग रहा है अपने माइकल हाई पे। तो यार चलिए चलते हैं, बस सबसे पहले बात करते हैं भाई कहाँ पे जाना है, मुझे लोकेशन भेज दे। और उससे पहले मैं क्या करूँगा ना यार, गाड़ी ये वाली तो नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी अपनी ही है, तो ये वाली गाड़ी ले जाना सेफ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं से कोई ये गाड़ी खड़ी करके अपनी कोई ऐसी गाड़ी चुरा लूंगा जहाँ पे ज्यादा भीड़ ना हो। और जब तक मैं लोकेशन भी मंगा लेता हूँ कि भाई कहाँ पे जाना है अपन को, क्या सीन है, तो भाई जल्द से जल्द अपन चलते हैं, बात करते हैं। मेरी बात हो गई उससे, उसने भी मुझे को लोकेशन भेज दी है। वो कह रहा भाई एयरपोर्ट के अंदर ही आ जाना, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ तक तू आ जाइयो। और उसने भी मुझसे यही बात बोली है कि भाई अपनी गाड़ी मत ले आइयो गलती से जल्दी जल्दी में। कह रहे हैं कि भाई मतलब अगर तेरी गाड़ी वहाँ पे देख ली, क्योंकि ये तेरी गाड़ी जो है वो तेरे ही नाम पर रजिस्टर्ड है, तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब हाल समझ में आ जाएगा कि इन्हीं लोगों ने वैसे ही मतलब कांड किया हो। वैसे ही अपनों ने बहुत बड़े बड़े कांड कर लिए अभी तक, तो पूरे शहर की मतलब जो पुलिस है ना, जो हाई सिक्योरिटीज़ हैं, सबकी हम पे नज़र है कि भाई यही लोग फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो भाई मुझे ये पार्किंग एरिया थोड़ी सही सी लग रही है गाड़ी चुराने के लिए, क्योंकि मतलब यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग मुझे देख नहीं रहे हैं। तो भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपने गाड़ी खड़ी करते हैं और कोई गाड़ी चुरा लेते हैं, कोई भी मतलब ज़्यादा कोई फैंसी गाड़ी लेके नहीं जा रहे हैं अपन, तो भाई इसको चुराते हैं जल्द से जल्द। और भाई ये तो शोर करने लगी है, भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकल लो, क्योंकि ओ शिट एक और शिट ये आ गया पीछे से, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। भाई जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेते हैं। चलो भाई हॉर्न तो बंद हो गया मेरे ख्याल से, उसने वो मतलब आइडिया लगा नहीं है कि भाई अपन लोग गाड़ी चुरा के ले जा रहे हैं। तो भाई लोग जल्द से जल्द अपना अपन सबसे पहले अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं, क्योंकि लोकेशन पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक बार लोकेशन पहुंच गए ना, फिर अपने को बहुत बड़ी जो अपना प्लेन है कहीं वो निकल ना जाए, इसलिए अपने को जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर पहुंचना होगा। और जल्दी से जल्दी प्लेन में से मतलब चोरी करके निकल लेते हैं अपन। तो भाई लोग लगभग अपन आ ही गए एयरपोर्ट के रास्ते पे ही हैं, मतलब लगभग पहुंच ही जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है अपन को पहुंचने में। तो यार देखते हैं, मेरे को इतना एक तो यार बहुत टेंशन हो रही है कि इतनी जल्दी जल्दी इतनी सारी अपन ने चोरी कर ली है, फिर नीचे से ही जाना है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी चोरी कर ली है अपन ने, और भाई अब फिर से एक और, ये तो मतलब हद ही करवा रहे हैं भाई ये लोग। ये तो सीधे तुम लोग मतलब प्लेन में ही घुसवा के चोरी करवा रहे हो यार, तो एयरपोर्ट के अंदर से चोरी करना, मतलब टेंशन की बात तो भाई बहुत ज़्यादा ही है, पर क्या कर सकते हैं यार, अब पैसे कमाने हैं ना लाइफ में तो करना ही पड़ेगा। और सही बोल रहा हूँ यार, अगर ये चोरी सक्सेसफुल होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले के मैं अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए कोई बेहतरीन से गाड़ी खरीद लूँ। तो भाई ये लगभग अपन आई गए हैं, थोड़ा सा ही दूर रह गया है अपनी जो डेस्टिनेशन है। भाई देखते हैं अंदर कैसे घुसते हैं अपन, अंदर घुसने की कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिक्योरिटी घूम रही है एयरपोर्ट के पास, आती है ना एकदम टेंशन सी होने लगती है। तो सिक्योरिटी की जगह तो यार एक गाड़ियाँ इतनी गलत चला रहे हैं भाई, या शायद मैं गलत चला रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो भाई देखते हैं अपन कुछ ना कुछ तोड़ निकालते हैं अंदर जाने के लिए, मेरे ख्याल से ये रास्ता सही रहेगा। ओ भाई, पर इसके लिए अपन को गाड़ी खुदानी पड़ेगी। यार नहीं रुक जाइए रुक जाइए, शायद नीचे से रास्ता है, क्योंकि अभी अगर खाना कूदना शुरू कर दिया ना तो अभी से ही अपन पे वो आ जाएगा, क्योंकि भाई वैसे ही एयरपोर्ट है पूरे में मतलब समझ रहे हो ना, सिक्योर्ड होगा भाई। ये एक रास्ता मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा सा है, पर यहीं से निकसा लेते हैं अपन अपनी उसको गाड़ी को, और देखते हैं यार यहाँ से कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, गेट ओपन। ये शायद नहीं, ये नहीं मिलेगा, कनेक्ट नहीं होगा ये, यहाँ से जाकर ट्राई करते हैं, शायद अपन पहुँच जाएंगे यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ। तो भाई लोग यहाँ से अपन लगभग कहीं तो आए हैं, बट यहाँ पे ये गेट बंद है,
लगता है अपन एयरपोर्ट से बिल्कुल आउटर पे हैं, तो अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, नहीं होगी तो भाई गाड़ी छोड़ के भागेंगे, और क्या कर सकते हैं फिर, तैसे इसको तोड़ के भाई अपन लोग अंदर घुसे हैं। और यही वो अपनी लोकेशन है भाई लोग, मतलब जहाँ पे अपन को आना था, यहाँ पे अपन को प्लेन के लिए वेट करना है। तो भाई चलो देखते हैं यार कितना समय लगेगा, क्योंकि उसने कही थी कि भाई थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो तू टाइम लेके आइयो। तो भाई लोग यार मतलब प्लेन आते आते बिल्कुल रात हो गई, मैं तो गाड़ी में ही बैठे बैठे सो गया था, मेरे को एकदम फ़ोन आया कि भाई वो प्लेन किसी भी इस वक्त आता होगा और तेरे लिए हम वहाँ पर बाइक पहुँचा दें जल्द से जल्द, मतलब तू रेडी रहियो बाइक पे, मतलब जैसे ही उसका प्लेन का कार्गो खुले ना उसमें सीधा घुस जाइए भाई भाई प्लेन के अंदर। और बाकी हम तो जैसे बताते रहेंगे, हम तेरे संग फ़ोन पे कनेक्टेड हैं, तो अपन वेट करते हैं, क्योंकि कभी भी बाइक और प्लेन दोनों ही आते होंगे। भाई लोग वो जो सामने आपको दिख गया होगा वो अपना प्लेन जा रहा है, इसी में अपन को मतलब छोड़ के, इसी में ही वो भाई जो मतलब $1 मिलियन का अपन गोल्ड कह सकते हैं इसको, इसी के अंदर भाई वो गोल्ड छुपा है, अपन को कुछ भी करके वो चुराना है। सबसे पहले तो जैसे इसका कार्गो खुलेगा ना अपन को जल्द से जल्द इसमें चढ़ना। भाई इसका कार्गो खुल गया है भाई, मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि इसका मतलब जल्द से जल्द कार्गो में घुस जाऊँ। ओ भाई गिरे पर सीधा प्लेन के अंदर गिरे, और भाई यहाँ पे अपने को बाइक आए तो कुछ नहीं बची है भाई। भाई जल्दी से जल्दी अपन इसको लूटते हैं भाई, क्योंकि मतलब अगर लूटा नहीं ना तो मैटर हो जाएगा। और ये अच्छा रहा है कि मतलब जहाँ पे अपन लोग एयरपोर्ट में घुसे थे ना उस साइड कोई कैमरे वगैरह नहीं थे, वो सब अपन ने पहले ही हैक करवा के डिसेबल करवा दिए थे। और भाई देख रहे हो कितना गोल्ड है, ये अभी एक है भाई, इतना है, जितना जल्दी हो सके अपन इस गोल्ड को लूट लेते हैं भाई। भाई जल्दी लूट, कितना गोल्ड है यार, मतलब ये समझ लो भाई लोग एक पक्का अपनी गाड़ी पक्की, और पुलिस देख रहे हो भाई पूरी 5 स्टार पुलिस अपने पीछे पड़ गई है, और मतलब पुलिस से बचना पड़ेगा अभी। अगर खैर हवा में तो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एयरफोर्स भी बुलाएंगे ना, तो अभी उन्हें बहुत समय लग जाएगा। और भाई जल्दी जल्दी अपन इसे लूटते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई लोग अपन ने लगभग सब कुछ लूट लिया, ये आखिरी बचा है जो अपन को लूटना है, और जल्द से जल्द भाई यहाँ से गायब होना। मतलब समझ नहीं आ रहा, बाइक आए तो कुछ बची नहीं है, पैराशूट है अपन पे, क्योंकि वो अपन पहले ही से ले आए थे। देखो अपन को पता था कुछ भी करके अपन को भागना तो पड़ सकता है, प्लेन लूट लिया भाई, यहाँ पे अपन को बॉम्ब प्लांट करने हैं, तो भाई जल्द से जल्द अपन दोनों जगह मतलब बॉम्ब कर देते हैं ताकि ये ब्लास्ट हो जाए जल्दी से, दूसरी जगह भी बॉम्ब प्लांट कर देते हैं, क्योंकि ब्लास्ट होगा तभी अपन को मतलब होगा। और जल्दी से जल्दी अपन को एक कार्गो खोलना होगा। तो भाई 3 2 1, और ये अपना कार्गो खुल गया, मैं उल्टी जगह से कार्गो खोल रहा हूँ, नहीं भाई सही जगह से तो खोल रहा था, क्यों मजे ले रहे हो। तो भाई ये अपना कार्गो खुल गया, अपन को कूदना है सीधा प्लेन के बाहर। ओ भाई साहब, ये गया प्लेन हवा में ब्लास्ट, और भाई अपन निकलते हैं जल्द से जल्द। और पैसा देख रहे हो एकदम कितना पड़ गया। और भाई यहाँ पे अपन को करनी होगी अपने आप को पार्क। और भाई मतलब अभी भी कॉप्स अपने पीछे पड़े हैं, बट अपन बच जाएंगे। और देखो भाई अपने पे इतना कलरफुल रेनबो आ रहा है, वो आ रहा है अपना सॉरी पैराशूट। भाई देख लेते हैं, अभी तो कोई पुलिस वुलिस पीछे नहीं पड़ी। और वो गिरा भाई वो प्लेन ब्लास्ट होके पक्का भाई, यहाँ पे बहुत जल्द से जल्द चेकिंग होने वाली है। अपन जल्द से जल्द भाई कहीं निकलते हैं और यहाँ कहीं रुकते हैं भाई, यहाँ किसी का इंतजार करते हैं, कोई ना कोई तो गाड़ी अपन को पहुँचे। ओ भाई इन दोनों देख ली, शिट शिट, इन्हें निपटाना पड़ेगा भाई, बनने मैटर करवा देगी, इसने फोटो कर ली भाई। भाई यहाँ पे जल्दी भागो, क्योंकि अबे यार ये बेवकूफ कुत्ता, हट भाई कुछ। अबे ये कौन सा कुत्ता आ गया भाई, दो दो कुत्ते आ गए यहाँ। तो भाई यहाँ से निकलते हैं अपन जल्दी से जल्दी, छुप के कहीं बस कोई गाड़ी खड़ी मिल जाए यार। तो भाई लोग काफी मेहनत करने के बाद तुमको ये गाड़ी खड़ी मिल गई है भाई, तो जल्द से जल्द अपन इस गाड़ी को लेके पहुंचते हैं अपने घर पर। देखो भाई अभी तक गाड़ी नहीं मिल रही थी मुझे, भागते भागते इतना समय हो गया, और अब भाई अपन को दो दो गाड़ी मिल गई है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने वैसे ही एक मैटर कर दिया, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं अपने घर पे। तो भाई लोग जैसे तैसे अपन अपने लगभग घर पे पहुँच ही गए हैं, और भाई जल्दी से जल्दी अपने घर पे पहुँचते हैं, मतलब पहुँच ही गए लगभग। और यार इस गाड़ी को वहीं कहीं छुपा देंगे अभी, बाद में अपन किसी और से बोल के ठिकाने लगवा देंगे, क्योंकि अब अपन नहीं निकल रहे बाहर भाई। मतलब मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, ये छोटे मोटे कांड की तो अपन को टेंशन ही नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े कांड करे बैठे हैं, जिस दिन फंसेंगे ना भाई तो कितने केस बनेंगे भाई अपने ऊपर, मेरे को तो ये सब बात की टेंशन है यार। तो भाई लो अपन अपने घर पहुंच गए हैं, तो भाई जल्दी से इस गाड़ी को अंदर लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत खतरनाक है, इसको डालते हैं अपने घर गैरेज में, क्योंकि तो बाहर छोड़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कोई ना अभी देख लिया और चुल कर दी तो अलग मैटर हो गया, ये बेवकूफ़ तुझसे की दुखी कर रखी है। अब भाई आप तो अपने को बोलना ही पड़ेगा, भाई जल्दी से जल्दी अपन इस होल्ड को अपने मतलब घर में छुपा देते हैं, बाद में जो भी इसका हिस्सा बांट होगा वो कर देते हैं भाई, कोई देख ना ले बस ले जाता हुआ, क्योंकि एक से एक भाई एक से एक कार्टून है, कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे। यहाँ पे यार ये सो रही है, तो चुपचाप चल के इसको यहाँ पे कहीं डाल देते हैं।
तो भाई लोग यार अपन नया सामान छुपा दिया है, मतलब जो पैसे हैं वो अपन करवा देंगे आज ही ट्रांसफर, कोई ना कोई लेने आ ही जाएगा, अपना हिस्सा रख लेंगे। और मतलब कपड़े वपड़े सब बदल लिए हैं, सब सेट है सीन, अभी मैंने बात किया तो कहने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई अभी है नहीं। और कैमरे से मैं तो टेंशन मत ही ले, कोई भी कैमरा वहाँ का वर्क नहीं कर रहा था, सब हमने फुटेज हैक पहले ही कर लिए थे पूरे कैमरे को, फुटेज वगैरह सब डिलीट करा दी थी, तो बिल्कुल निश्चिंत है। तो भाई होप करता हूँ यार आप लोग को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, या तो वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस लाने का। और मतलब बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना है कि यार मतलब हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे भाई लोग अगली वीडियो के साथ।